पर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। तुम, हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते, हम तुम नहीं आप हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं शुभम ब्लॉग। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ हुंडई क्रेटा का न्यू की, इसमें क्या क्या फीचर है। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं शुरू। ये रहा क्रेटा का की। हमें पहले ऊपर तरफ मिलता है लॉक बटन, नीचे अनलॉक के लिए, और उसके नीचे बूट खोलने के लिए बटन दिया गया, और ये गाड़ी का ढूंढने के लिए बटन दिया गया। ये हमें ब्राउन फिनिश में मिलता है, जो कि हमको देखने में बहुत प्रीमियम फील करता है। गाड़ी के पास आइए, आपको दिखाना चाहूँगा। इसका जो एडिशनल की है, इसमें भी हमें स्मार्ट की ही मिल जाता है। इसके ऊपर मैं अभी कवर चढ़ा दिया हूँ प्रोटेक्शन के लिए। ये रहा कवर। आप इसको अमेजोन फ्लिपकार्ट जिधर भी खरीद सकते हैं। गाड़ी के पास देखते हैं। गजब बेइज्जती है। हम जैसे गाड़ी के पास पहुंच रहे हैं तो देखिए साइड में ऑटोमेटिकली ओपन कर रहा है, गाड़ी फिर भी लॉक है। जैसे मैं गाड़ी के दूर जा रहा हूँ, देखिए गाड़ी का विंडो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। देखिए फिर हम जैसे ही पहुंचते हैं ऑटोमेटिक वेलकम कर रहा है गाड़ी हमें। तो आप सोच सकते हैं गाड़ी में कितना अच्छा अच्छा भर भर के फीचर दिया गया। हम अभी लॉक है गाड़ी, फिर हम अनलॉक करना चाहते हैं तो प्रेस कर सकते हैं। इधर बटन है, आइए देखेंगे। इधर बटन है जो हमें एक बार लॉक, एक बार बीप कर रहा है तो लॉक हो रहा है, विंग मिरर्स बंद हो रहा है, और एक बार प्रेस कर रहे हैं तो ये खुल रहा है, तो हम सोच रहे हैं अनलॉक हो गाड़ी। क्रेटा में एक फिजिकल की भी आता है। देखिए हम इधर बटन दिया गया है, इसको प्रेस करके आप निकाल सकते हैं। फिर अगर आपका गाड़ी का बैटरी भी डाउन हो गया है तो आप इसको इंसर्ट कीजिए, फिर अनलॉक कीजिए। देखिए विंग मिरर्स ओपन हो गया, गाड़ी के अंदर जा सकते हैं। फिर अगर स्टार्ट कैसे करना सोच रहे होंगे तो इजी प्रोसेस, आप क्लच दबाइए, फिर पुश स्टार्ट बटन के पास की को लेके प्रेस कीजिए, गाड़ी स्टार्ट हो गया। आपको की में चार बटन मिल जाता है, देख लीजिए। पहला बटन हम जब लॉक करते हैं तो साइड मिरर फोल्ड हो जाता है, फिर जब हम अनलॉक करते हैं तो साइड मिरर ओपन हो जाता है। नीचे ब्लिंक कर रहा होगा इंडिकेटर, चेक लीजिएगा। और ये बूट खोलने के लिए, आइए दिखा दें बूट के। कैसा लगा मेरा मजाक? ये डिक्की खोलने का बटन है, इसको होल्ड करके रखेंगे तो डिक्की भी खुल जाएगा। और लास्ट वाला फीचर बहुत अच्छा है, आपको बहुत ये यूजफुल लगेगा। जैसे हम जाते हैं मॉल वॉल तो हम लोग गाड़ी कहाँ पार्क करते हैं पार्किंग एरिया में पता तो नहीं चलता कहाँ है गाड़ी। हम इसको अगर होल्ड करके रखेंगे तो देखिए क्या होता है, गाड़ी ब्लिंक कर रहा है, हमको पता चलेगा गाड़ी किधर है। हम लोग इजी टू यूज, हम फिर हम अनलॉक बटन दबाएंगे ऑटोमेटिक साउंड बंद। इसकी में एक और एक फीचर दिया है इस बार हुंडई ने, कि हम जब गाड़ी लॉक करते हैं अनलॉक करते हैं, बीप हमें पसंद नहीं आता है, या फिर रात में कभी ट्रैवल करते हैं जाते हैं तो किसी को डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं है, तो हमें इसमें एक सॉल्यूशन दिया गया। इस बार हम लॉक और अनलॉक को एक ही बार दबा के रखेंगे। रुकिए, एक बार दबा के रखेंगे तो नीचे देखिएगा इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, देखिए 7 बार ब्लिंक करेगा इंडिकेटर। फिर अभी आप देखिए, मैं लॉक कर रहा हूँ बंद हो रहा है, अनलॉक कर रहा हूँ अनलॉक हो रहा है, तो हमें इसमें डिस्टर्ब ही नहीं होगा। गाड़ी का अंदर जाके दिखाते हैं। देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, गाड़ी अनलॉक हो देखिए। आप आराम से क्लच दबाइए, फिर इधर पुश स्टार्ट बटन एक बार में दबा दिया, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया। सिस्टम चेक शो कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गया। चलिए अभी देखिए, मैं जैसे दूर जा रहा हूँ गाड़ी से, आप देख सकते हैं उधर की नॉट फाउंड लिख रहा होगा डिस्प्ले में, चेक कीजिए। देखिए मैं जैसे डोर बंद कर रहा हूँ, सुनिए एक साउंड बीप कर रहा होगा डिस्प्ले में, देखिए कीज नॉट फाउंड शो कर रहा है, की गाड़ी के अंदर नहीं है इसलिए कीज नॉट फाउंड शो कर रहा है। गाड़ी अभी स्टार्ट ही है। दोस्तों आपके लिए मैं ये वीडियो कितना मुश्किल से इतना धूप में बनाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाइए, इससे मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।